हेलो फ्रेंड्स, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुके हैं, वो कैंसिल हो चुके हैं। आज 16 दिसंबर से ये पेपर स्टार्ट थे, परंतु जो फर्स्ट पेपर था वो सही ढंग से हो चुका था, परंतु जो सेकंड पेपर था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण उस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी जो कल 17-18 को जो पेपर होने वाले हैं वो भी अभी रद्द कर दिए गए हैं। तो जो 20 को आपका जो पेपर है वो अभी पुराने शेड्यूल के अनुसार ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या रीज़न रहा है और अभी नेक्स्ट डेट कौन सी है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे तो आज जो पेपर कैंसिल हुआ है उसके बारे में पहले किसी भी नोटिस के बारे में जानकारी नहीं थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए कल का जो पेपर है, किसी स्टूडेंट को परेशानी ना हो, सेंटर में जाकर कुछ मुश्किलें ना आए, उसके लिए उन्होंने हर एक स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है। तो शायद सभी के फ़ोन पर यह मैसेज आ चुका है कि डियर कैंडिडेट, सीटेट दिसंबर 21 एग्ज़ाम शेड्यूल्ड फॉर 17 दिसंबर इज पोस्टपोन, न्यू डेट विल बी नोटिफाइड। तो ये सभी को एक मैसेज आ रहा है कि जो 17 दिसंबर को पेपर होने वाला है वो कैंसिल हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पब्लिक नोटिस भी दिया गया है जिसमें इन्होंने बताया है कि पेपर को क्यों रद्द कर दिया है, क्यों कैंसिल किया गया है। तो ये मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंटरेस्टेड TC लिमिटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड मोड ऑनलाइन ड्यूरिंग 16 दिसंबर to 13 जनवरी एट डिफरेंट सिटीज थ्रू आउट द कंट्री। इसमें बताया गया है कि जो CTET होने वाला है वो एक कंपनी द्वारा लिया जाएगा टेस्ट, और ये ऑनलाइन टेस्ट होना था 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक अलग अलग सिटी में। तो यहाँ पर इस कंपनी ने एक रिपोर्ट की है कि जो एग्ज़ामिनेशन पेपर है उसकी फर्स्ट शिफ्ट थी जो 16 दिसंबर को थी, वो एग्ज़ाम अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया था, परंतु जो सेकंड शिफ्ट थी पेपर टू की, उस एग्ज़ामिनेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के कारण वो कम्प्लीट नहीं हो पाया। तो अभी वो इस इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं इसमें। तो इस प्रॉब्लम के कारण जो एग्ज़ाम शिफ्ट थी सेकंड, उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही जो 7 दिसंबर को पेपर होने वाला था दोनों शिफ्ट का, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। अभी नेक्स्ट इसकी एग्जामिनेशन डेट्स को जो है वो अभी फाइनल नहीं हुई है, वो अभी नेक्स्ट नोटिफाई कर दी जाएंगी। तो इन इनकन्वीनियंस के लिए इन्होंने कैंडिडेट से सॉरी भी फील की हुई है। तो जो एग्ज़ामिनेशन शिफ्ट है वो स्टार्टिंग जो होंगी, जो मंडे को स्टार्ट होंगी 20 दिसंबर को, वो एज़ पर शेड्यूल ही होंगी। जो शेड्यूल उनके लिए है वो वैसे ही पेपर देंगे, परंतु जो 17, 18 और को जो 16 को पेपर कैंसिल हुए उनके लिए नई डेट्स जो है वो जल्द ही इनके द्वारा जारी कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने पेपर की तैयारी की है और अभी डेट्स उनके लिए रहती हैं, तो वो अच्छी तरह से इनकी तैयारी कर लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।